तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आप सभी को अपने चैनल ओपन नॉलेज गेनर में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पेपर स्टार्ट किया था पीएसटी का। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन फ्रेंड्स ने देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पड़े हैं, आप काइंडली जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आज है इसलिए पीएसटी का पेपर नंबर 2 है। ये कोई अनदर डिस्ट्रिक्ट का पेपर है जो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे कम्प्लीट। मैं आपको पेपर दिखा दूं फ्रेंड्स, ये पेपर है। वैसे कि एनटीएस ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पेपर कंडक्ट किए थे, चाहे वो शावर हो, बन्नू हो, दीर हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए उन लोगों ने अलग अलग पेपर कंडक्ट किए थे। तो उन लोगों ने एक पेपर कंडक्ट नहीं किया कि एक पेपर जो है सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए हो जाए, क्योंकि हर एक शिफ्ट के लिए भी अलग अलग पेपर था। तो आज जो है ये पेपर नंबर टू है और इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर न्यू विजिटर है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस के अलर्ट्स और नोटिफिकेशन भी मिल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। द एंटोनिम ऑफ पर्टिकुलरिटी इज, तो बेसिकली एंटोनिम ये जो है पर्टिकुलर, इसको ऑपोजिट बताना है हमने, तो पर्टिकुलरिटी खसूसियात को कहते हैं। लेट सपोज अगर कोई किसी चीज़ के बारे में आप उसकी खसूसियात बयान करें डिटेल में, पर्टिकुलरिटी किसी चीज़ खास चीज़ के बारे में खसूसियात बयान करें, तो उसका जो अपोजिट होगा वो जनरलिटी होगा, आमूमी, आम तौर पर, ये खास तौर पर, आम तौर पर। तो यहाँ पे जनरलिटी इज द राइट आंसर। यू मे हैव नोटिस्ड, यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारे पास नोटिस्ड है। You may have noticed. इसको फ्रेंड्स ये दिखाई नहीं दे रहा, नीचे चलते हैं। Do I sing a song? Okay. The given statement is dash. मतलब ये given statement ये क्या है? ये imperative है, declarative है, interrogative है, exclamatory है। इन सभी के बारे में फ्रेंड्स आइए थोड़ी बात करते हैं। Type of sentence declarative. Declarative उस sentence को कहते हैं जिसमें कोई फैक्ट या किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए। लेट्स सपोज आई हैव अ बास्केटबॉल गेम टुनाइट, मतलब तो उसके बारे में इस कंप्लीट सेंटेंस में हमें फैक्ट भी पता चल जाएगा, पीरियड भी है, एक पीरियड। लेट्स सपोज कि एक पूरी सेंटेंस में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इंटेंट जो है हमें पता चल गया, तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस गिवन अ क्वेश्चन मार्क, विल यू कम टू माई गेम, हैव यू एवर रीड दिस बुक, तो ये जो है इंट्रोगेटिव हमेशा जो है क्वेश्चन, एक सवाल की तरह होता है जो आप किसी से पूछते हो, दैट कॉल इंटरगेटिव सेंटेंस। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो किसी इमोशन फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि वी वन द गेम, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। तो किसी चीज की फीलिंग, इमोशंस आप बयान करते हो, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जो कमांड दिया जाता है, किसी को रिक्वेस्ट किया जाता है या किसी को कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो उसको हम लोग इंपेरेटिव कैसे देखें, प्लीज कम एंड वॉच मी प्ले, किसी रीड दिस अमेजिंग बुक, किसी को इंस्ट्रक्शन दी जाए, किसी को कमांड दी जाए, किसी को रिक्वेस्ट की जाए, तो उसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे डू आई सिंग अ सॉन्ग, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारे पास इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि इसमें जो है सवालिया निशान है, अगला बंदा किसी से पूछ रहा है, एक बंदा किसी से पूछ रहा है डू आई सिंग अ सॉन्ग, इजाजत मांग रहा है, तो एट द एंड में सवाल भी है, तो इंट्रोगेटिव इज द राइट आंसर। ही इज डैश, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज रिच लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। ओके, बट एंड सिनोनिम ऑफ एस्केप, एस्केप का बेसिकली सिनोनिम मींस सिमिलर वर्ड बताने हैं, तो एस्केप बेसिकली फरार को कहते हैं, कोई चीज कोई भाग जाता है कहीं से, एस्केप। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है फ्ली, भाग गया इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में ऐसा कौन सा वायरस है
जो इन्फेक्टेड होता है वायरस से फैलता है, तो वो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, पेनोमोनिया है, क्लोरिया है और पोलियो। पोलियो इज द राइट आंसर। द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू द एटमॉस्फेयर एंड रिटर्न बैक इज कॉल्ड, फ्रेंड्स के ऊपर एक पिक्चर है वो देखते हैं, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, लेट्स सपोज कि वो हमारे पास वाटर साइकिल है, कैसे, लेट्स सपोज बारिश होती है, यहाँ पे परसेप्शन होती है, जज़ब हो जाती है, उसके बाद सरफेस ऑफ रन ऑफ, फिर हमारे पास एवोपोरेशन होती है, जब सूरज की शुआएं जब पड़ती हैं तो हमारे पास एवोपोरेशन होती है, उसके बाद फिर देन कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के बाद फिर अगेन क्लाउड्स में जाते हैं, फिर अगेन वो जो है पानी जो है नीचे जो है बहता है। तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट टाइप ऑफ सर्कल इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे जो है हमारे पास सी, वाटर साइकिल इज द राइट आंसर। Which of the following nerve cells pass the message to the brain from nostril? Nostril basically हमारे पास ये नाक का अगला वाला हिस्सा होता है, तो उसमें कौन सा जो है nerves, इसमें से कौन सा nerves है जो pass करता है message to the brain? तो आइए इसके ऊपर भी pictures है देखते हैं। Let's suppose हमारे पास यहाँ पे ये देखें olfactory, olfactory bulb, और ये हमारे पास यहाँ पे ऑल्फैक्टरी ट्रैक, इसे इसको ऑल्फैक्टरी ट्रैक भी कहते हैं और ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी नर्व भी कहते हैं। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे नर्व होती है, ये हो गया हमारा नॉस्ट्रल एरिया, और इसके बैक साइड पे हमारे पास यहाँ पे ये नर्व होती है जो डायरेक्टली मैसेज कन्वे करती है टू द ब्रेन। तो ये एरिया जो है ना फ्रेंड्स, ये एरिया हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व कहलाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास राइट आंसर ऑल्फैक्टरी नर्व होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द नेचर, बेसिकली अगर आप मॉर्निंग में सुबह उठो तो कहते हैं कि जो है पौधों के आगे या प्लांट्स के आगे खड़े होके जो है जोर जोर से सांसें लें, तो ये वही फंक्शन है, वही प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स जो है राइट आंसर होगा, विच इज आल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ द नेचर। Which of the following is the type of energy stored in an object in or to its position? Basically, वो energy जो store होती है उसको हम लोग potential energy कहते हैं, जब वो energy release हो जाती है। Let's suppose मैं अगर आपको एक command की example, आप command में तीर डालते हो, उसको push करते हो, तो वो जो push वाली energy होती है वो potential होती है, जब उस command को आप release करते हो तो वो हमारे पास kinetic बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास potential energy। What type of energy is generated due to movement of particle within a substance? तो हमारे पास हीट है। According to Bodmer's rule, which of the following first basic operation is performed? Bodmer basically bracket order, division, multiplication and addition, subtraction. तो यहाँ पे इसका ये जो है stand, और उसकी which of the following first basic operation? फॉर्म, तो यहाँ पे जो है वैसे जो देखें ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं है, ऑर्डर है, ऑर्डर भी नहीं है, अब उसके बाद डिवीजन है, तो डिवीजन यहाँ पे जो है हमारे पास राइट आंसर होगा डिवीजन। उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन भी है, उसके बाद एडिशन है, उसके बाद सबट्रैक्शन। द फ्रैक्शन वन बाय वन रिप्रेजेंट डैश परसेंट, अगर आप इस वन बाय वन को अगर आप डिवाइड पूरी तरह कर लो तो हमारे पास वन आएगा, और उस वन को फिर आप मजीद मल्टीप्लाई कर लें हंड्रेड के साथ, हंड्रेड फॉर द पर्सन, हंड्रेड फॉर द पर्सन के लिए आप मल्टीप्लाई करें तो वन हंड्रेड या हंड्रेड आएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास हंड्रेड होगा। प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज टेकन ऑन, बेसिकली प्रॉफिट और लॉस, जब भी हम लोग प्रॉफिट और लॉस फाइंड करके, हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है जरूरी है, कॉस्ट प्राइस इज द राइट आंसर। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी साइड्स, हर एक साइड जो है हमारे पास 60 का एंगल है, तो 60 का एंगल, 61 एंगल हमारे पास की शेप्स, एंगल कहाँ पर, एक दो और तीन, तो 60 मल्टीप्लाई बाय थ्री अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा।
तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल 180। क्लास फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स, क्लास फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्क्वायर ऑफ वन इवन नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ वन ऑड नंबर। लेट्स सपोज हमारे पास एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर ले लें, लेट्स सपोज कोई भी इवन नंबर कलेक्ट कर लें और उसका स्क्वायर ले लें, उसको फिर कोई भी ऑड के स्क्वायर के नंबर के साथ माइनस करें तो हमेशा हमारे पास रिजल्ट ऑड आएगा। आप फ्रेंड चेक कर लो, यही आंसर आएगा, ऑड आएगा। नीचे चलते हैं। वेन डायग्राम इज यूज टू एक्सप्लेन, बेसिकली वेन डायग्राम हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस में इस्तेमाल होता है जो सेट्स की बेस पे होता है। सेट्स इज द राइट आंसर। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज डैश नंबर। तो सम ऑफ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पीछे वीडियो में मैंने बताया, तो ये हमारे पास हमेशा इसके रिजल्ट इरेशनल होंगे। द डिसिमल 0.27, इसको फ्रेंड हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 / 111। इसको 3/11 से भी लिख सकते हैं इसको, तो इसकी हमारे पास बेसिकली रेशनल ही है। टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं फ्रेंड जो ऐसी रिजल्ट, सपोज हमारे पास एक नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एंड में जीरो आ जाए, वो टर्मिनेटिंग है। नॉन रिक्यूरिंग उसको कहते हैं हमारे पास जो उसका कोई आंसर ही ना है, बस चलता जाए, अनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज जिसे कहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज जिसे कहते हैं। तो इरेशनल वो है जो अंडर रूट फॉर्म में है, तो ये हमारे पास बेसिकली 27 रेशनल फॉर्म। द सर्फेस एरिया ऑफ कैलेंडर एंड कोन ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट, इन दोनों का, कैलेंडर और कोन का, दोनों का जो है सर्फेस एरिया अलग अलग है, which are not equal, तो हमारे पास ये which are not equal। For a regular hexagon, the amount of interior angle is, hexagon basically इस शेप को होता है, अगर मैं आपको ये शेप दिखा दूं, तो ये इस शेप को होता है, तो इसके बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर 120 का एंगल बनाता है, तो इंटीरियर एंगल 120 हो गया और टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल 720 हो गया, सम ऑफ एंगल हमारे पास 720 बनता है, तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। द पावर सेट ऑफ, ये हमारे पास नल है तो इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये हमारे पास एम्प्टी सेट्स शो करता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।